वेलकम बैक एंड बैक टू द बीजीएम गेमर्स न्यू स्ट्रीम। तो कैसे हैं आप सब? और भाई यहाँ पर देख लिया जाए 75 बंदे हमारे कस्टम रूम के अंदर ज्वाइन हो चुके थे। कितने बंदे मुल्तान जन खाकर निकल चुके हैं तो जरूर से देखना होगा। और भाई आज काफी प्रो लोग आ रखे हैं, मतलब अपने डेडली पीएस भाई आज देखने के लिए मिल गए। मेरे भी कल भी आए होंगे लेकिन कल हम नहीं आए थे। तो भाई डेडली पीएस भाई आपको बहुत ज्यादा मिस किया हमने। किल शॉट अजर रेगुलर खेलने वाली सभी टीमें आ रखे हैं यहाँ पर। भाई हाइड्रा जोकर जो कि डेडली पीएस के टीम मेंबर्स है यहाँ पर, उनकी टीम में हम आ रखे हैं। और भाई यहाँ पर देख लिया जाए अभी भाई यहाँ पर अभी पांडा यहाँ पर स्कोर आ रखी है। तो देख लिया जाए राजपूत की स्कोर आ रखी है, मिड डॉन आ रखा है, मोहतो उनके साथ खेलते हुए घोष की पूरी टीम आ रखी है, पी यासिन भाई अकेले खेलते हुए बोश की टीम आ रखी है, मास्टर ओपिलुसिफर जॉर्डी उनके साथ नहीं आज, काफी दिनों से नहीं आ रहे हैं, मुजू भाई घनी भाई की पूरी टीम आ रखी है, यो मनी भी आने की उनके साथ खेलते हुए, डार्क डेविल उनके साथ खेल रहे हैं, एसटी लीजेंड भाई भी यहाँ पर आ रखे हैं। तो देखना उनकी तरफ भाई हम जरूर चलेंगे। रेड आदि भाई यहाँ पर टीम आ रखी है, एसिड विजार्ड एस जी एफ जेड उनके साथ आ रखे हैं, एवीजी का पूरा क्लैन आया है, एलेक्स गेमिंग उनके एलेक्स गेमिंग सिटी मेरे कजन के साथ रैंडम है, और अलीशा एक्स भाई यहाँ पर आ रखे हैं। तो देखना एआरसी का पूरा क्लैन आ रखा है, नेगी डब्ल्यू सेवन जो उनके साथ खेलते हैं, टीम रॉयल पूरी भाई हमारी यहाँ पर आ रखी है, सुशोभित भाई और क्या टीम आ रखी है, टीम आ रखी है, बी लैक एम के की टीम यहाँ पर पूरी तरह से आ रखी है, अलाउद्दीन एजे भाई भी आ जाए हैं, क्या ही बात है। 19 लोगन और भाई देख लिया जिशान और भाई देखना क्लस्टर बॉज अकेले खेल रहे हैं, कोंगा भी अकेले खेल रहे हैं। और अगर हम प्लेन पाथ की बात करें तो देख लीजिए प्लेन पाथ भाई यहाँ पर मिलिट्री बेस से होता हुआ सीधे स्टाल बार की तरफ, तो डेस्टिनेशन तो काफी अच्छा है। फिलहाल देखना और टीमें कहाँ कहाँ पर जाने वाली है, मिलिट्री बेस और नोवो में भी ज्यादा टीमें जाएंगी। और जहाँ तक मुझे लगता है पोचंगे के अंदर दो टीम फिक्स है जो कि अपने एसडीएफ जड और किलशॉट अजहर और टीम है वो फिक्स ही भाई पोचंगे की जाने वाली है। बाकी काफी सारी टीम मेरे ख्याल से मिलिट्री बेस और नोवो के साइड में देखने को मिल सकती है, और याशियाना की तरफ को खासकर प्लेन जा रहा है तो याशियाना और मिल्टा की तरफ भी भाई हमें काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है। डेस्टिनेशन वो भाई स्कोड उतरती है, मैं भी याशियाना और मिल्टा का तो भाई मुझे समझ नहीं आता वहाँ पर ऐसा क्या है, काफी सारी स्कोड उतर जाती है, मे बी नो और मिलिट्री का तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन नो की तरफ एक स्कोड जा रही है, मिलिट्री की तरफ भाई जा रही है मेरे ख्याल से 5 स्कोड है जो काफी अच्छी बात है। फिलहाल उनकी तरफ भी देखें क्लस्टर पर जो कि सोलो जा रहे हैं, टीम नंबर 20 जा रही है वहाँ पर, टीम नंबर 3 जा रही है और एक टीम मेरे ख्याल से और जा रही है, तो काफी सारी टीम वहाँ पर जाती हुई फिलहाल उनकी टीमों की तरफ हम जरूर अपनी नजर डालेंगे। और मैं भी पहली फाइट भी जी हाँ, फिलहाल टोटल 3 टीमें जी नहीं भाई 1 2 3 4 भाई पूरी मतलब के 5 टीमें जा रही हैं जो कि भाई टीम वहाँ पर 23 के मेम्बर सोलो हैं। और भाई यहाँ पर जो कि अपने यहाँ पर क्लश और वो भाई भी अकेले हैं, टीम नंबर किसके मेंबर्स हैं यहाँ पर देख, टीम नंबर 24 के मेंबर्स और काफ़ी करीब उतरे हैं भाई यहाँ पर, क्या ही बात है मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा क्लोजिंग का मामला हो सकता है। टीम नंबर 3 जो कि 16 मेंबर्स है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1v1 का मामला बड़े ईजिली, तो देखना वहीं पर रखे जो काफ़ी अच्छे वगैरह वहाँ पर खेलते हैं, फिलहाल देखना कौन सी टीम भाई आज चिकन डिनर लेकर जाएगी तो भाई जरूर से देखेंगे। और मेरे ख्याल से एक बंदा मुल्तानी चुनाव का अगर निकल गया था, 75 जॉइन हुए थे, 74 है अब जाकर मैंने ध्यान दिया, और अपने डेडली पीएस भाई तो आ रखे हैं यहाँ पर टीम नंबर 1 के मेंबर्स, उनके टीम मेंबर्स भी आ रखे हैं और भाई मतलब इनका झाड़ है, जो झाड़ टू झाड़ है उनको भाई हम जरूर टीम और स्क्रीनशॉट ओपन इंस्टेंट फिनिश किया है, ऑपरेशन के अंदर उतरी है टीम 3 नंबर 2 के एक मेंबर्स को भाई इन्होंने इंस्टेंट ओपन इंस्टेंट फिनिश किया है, तो भाई देखना होगा यहाँ पर क्या ही बात, तीसरे मेंबर्स को भाई यहाँ पर इंस्टेंट नॉक करने की कोशिश करते हो तो भाई देखना होगा यहाँ पर बिजॉय खान ने यहाँ पर चालू कर पाते, फिलहाल देखना प्रोनाइन शूट दिया गया उनको काफी कैडा और भाई क्या ही बात है, और भाई यहाँ पर काफी कैडा उन्होंने प्रोनाइन शूट और इंस्टेंट फिनिश करने की कोशिश और इंस्टेंट फिनिश भी कर चुके हैं। रोमन भाई और यहाँ पर फाइट हो चुके तो रोमन भाई की तरफ हम जरूर चलेंगे, रोमन भाई ने और भाई यहाँ पर टीम नंबर 2 हम भी नॉक हो चुके हैं, मौत भी उनको पूरी तरह से फिनिश कर चुके हैं जो कि आर एक्स जोकर भाई थे, और मौत भी भाई बड़े जल्दी भाई प्रेशन के अंदर भाई टीम नंबर 2 में भाई हम तो वाइप वगैरह कर चुके हैं, बाकी टीम मेंबर्स यहाँ पर नहीं थे टीम नंबर 2 के मेंबर्स, इसलिए भाई वो थोड़ा दूर है और भाई जो कि कहाँ पर है भाई बहुत ज़्यादा दूर भाई इनके टीम मेंबर जो कि एक शिवरणी के अंदर दोनों टीम मेंबर्स भाई ऑफलाइन हैं जहाँ तक मुझे अब जल्दी जाए। किल छोड़ा जरूर यहाँ पर फाइट हो चुके तो जो कि किल छोड़ा जर एक एस जी एफ जेड को नॉक कर दिया नंबर 23 के जो कि अगले टीम मेंबर्स उनको बड़े जल्दी फिनिश कर चुके हैं, क्लस्टर वो भाई बड़े जल्दी वहाँ पर फिनिश हो चुके हैं, एस जी एफ जेड को भाई किल छोड़ा मैंने पूरी तरह से फिनिश कर चुके हैं। देखना होगा भाई यहाँ पर काफी कैडा मेरे ख्याल से रोमन भाई की टीम भी काफी कैडा खेल रही है भाई वहाँ पर टीम नंबर भाई वहाँ पर अभी भाई एक टीम जो टीम नंबर 3 के वहाँ पर फिनिश करने की कोशिश की जाएगी वहाँ पर बड़े भाई नॉक पड़ा टीम नंबर, लेकिन भाई वहाँ पर बचाने का फायदा नहीं क्योंकि मुजू भाई एक तरफ से आ चुका है, मुजू भाई काफी कैडा लेकर बैठे हैं कि भाई ताकि उन्हें अगर बचाने आए तो उनको बड़े जल्दी भाई मार वगैरह सके, लेकिन भाई वो नीचे जा चुके हैं और उनको बचा लिया जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। जी हाँ राजपूत भाई टीम उनको बड़े जल्दी बचा लेंगे, एसिड विजार्ड भाई वहाँ पर नॉक हो चुका भाई की तरफ जरूर चलिए, सन्नी ने नॉक किया जो कि टीम नंबर टीम डी एक्स वरुण बचे और रेड आदि दो ही टीम बचे हैं, तो भाई देखना होगा सन्नी भाई वहाँ पर काफी कैडा मेरे खाते राजपूत भाई को नौकर दिया गया, मुझ भाई की तरफ से 16 और डेडली पीएस भाई क्या ही बात है, मतलब कि अपने भाई प्रो प्लेयर को टीम नंबर एक टीम हमको भाई वहाँ पर फिनिश वगैरह कर दिया और भाई वहाँ पर वापस चलूंगा, रेड आदि भाई को वहाँ पर नेड छोड़ा दिया गया, तो क्या ही बात है यहाँ पर राजपूत भाई को वहाँ पर फुट फिनिश कर दिया गया, रेड आदि भाई वहाँ पर नॉक पड़े तो देख लीजिए उनके एसिड विजार्ड भाई नॉक पड़े उनके अकेले टीम हम बचे हैं, तो भाई यहाँ पर देखना और टीम डी एक्स वरुण भाई हमारा अकेले बचे हैं, उसी उनके हाथ में टॉम भाई देखें यहाँ पर क्या कुछ कर पाएंगे फिलहाल, और देख रहा हूँ सर भाई पर बड़े जिले और भाई उनके ऊपर आते हैं किल छोड़ा जाए, किल छोड़ा भाई देखें यहाँ पर कितने टीम हम नॉक कर पाते हैं, टीम डी एक्स को
बड़े जी भाई वाइप करते हुए हमारे एक नाम स्क्रीनशॉट मैच को आना नॉक किया था स्क्रीनशॉट सैम का पीछे से काफी चुका हुआ और बड़े जी भाई को वाइप कर चुका वापस से चले जाए जो कि अपने मुंह बाहर यहां पर फाइट हो रही थी और भाई ड्रज जोकर भाई जो रेटी मैम से बचे हैं तो भाई यहां पर देखना होगा 47 कोबरा अपनी टीम से अकेले बचे हैं और भाई देखना होगा यहां पर टीम नंबर 13 के इनके मैम उसमें खैर टीम नंबर 13 ने तो खैर नहीं मारा इनके टीम नंबर किसी और ने मारा है तो बड़े जी भाई वाइप वगैरह शोर भी शायद उनकी फाइट होती जो कि आशियान के अंदर वाइप फाइट हो रही है घोष आज भाई टीम ऑफ भाई नेट उन्होंने उड़ा दिया तो भाई देखना होगा टीम नंबर 6 के दो टीम ऑप्शन पड़े क्या ही बात है एलेक्स गेमिंग बाई टी देख रहा है फिनिश किया और भाई यहाँ पर देखना और टीम रोल बैक से तरफ से भाई और नेट वगैरह करने की कोशिश करना चाहेंगे जहाँ पर लगता है अगर भाई यहाँ पर नेट कर देते हैं तो बड़े कमार वगैरह सकते हैं और भाई देख लीजिए घोष राज भाई को काफी कैडा स्प्रे घोष राज भाई को नोक डाला गया लेकिन भाई उनके एक टीम हम जो एलेक्स गेमिंग वाई टी भाई थे वो काफी कैडा खेलते हुए टीम रोल स्नेक आ चुके हैं तरफ से भाई तीन टीम हम नोक पड़े और अकेले बचे हैं एलेक्स गेमिंग वाई टी भाई टीम रोल गो आ चुके हैं टीम रोल स्नेक आ चुके हैं तरफ से देखे भाई क्या कुछ कर पाएंगे फिलहाल देख रहे हो यहाँ पर अपने एक टीम हम भाई घुटनों से उठा चुके हैं जो कि भाई घुटनों के ऊपर थे जो कि अपने घोष राज भाई थे घुटनों से उठा चुके हैं घोष इस्माइल भाई को घुटनों से उठाने की कोशिश करते हैं तो भाई देखा जाए यहाँ पर घोष इस्माइल को बड़े बड़े दिल में रखा 47 को ऊपर भाई टीम नंबर 13 एक टीम हम नोक कर चुके हैं तो भाई देखना होगा टीम नंबर जो कि मन के मामले से 47 कोबरा को बड़े जी जो कि टीम नंबर 13 के बाकी नंबर भाई ये घूम रहे हैं वाटर सिटी के पास जो कि भाई रुइंस के अंदर है और भाई यहाँ पर अपने डेडली पेस भी आए थे जांडू झाड़ में लेटने के लिए लेकिन भाई उनको बड़े इजीली उनके लोबी पहुंचा दिया कि आज के भाई आप दूसरा मैच खेल के वहाँ पर लेट सकते हैं और भाई यहाँ पर आजकल बड़ी जल्दी मरे वरना भाई मैंने उन्हें बड़ा मिस करना चाहता था तो भाई ले जा लेते हैं वो थोड़ी 30 मिनट की वीडियो भी हो तो भाई उससे 35 की करके चले जाते हैं तो काफी अच्छी बात है और भाई यहाँ पर देख रहा हूँ फिलहाल काफी कड़ा खेलते हैं लेकिन यहाँ पर देख लिया जाए लेकिन कैंपिंग बहुत ज्यादा करते हैं फिलहाल देख रहा हूँ उनके घोष राज भाई जो कि नोक पड़े थे उनको मेरे ख्याल से बचा लेगा सभी चारों टीम भाई वो बचे काफी कड़ा स्प्रे देते हुए टीम जहाँ पर उनके एक टीम को जो कि एलेक्स गेमिंग वाइट भाई उनको काफी कड़ा स्प्रे देने की कोशिश करते हैं लेकिन भाई देखना वहाँ पर मेरे ख्याल इनको प्रसिद्ध रश करना चाहिए वो टीम जहाँ तक मुझे लगता है जहाँ घोष या जो एलेक्स गेमिंग वाइट भाई दोनों टीम आ चुके हैं एक तरफ से भाई काफी कड़ा फिलहाल देखना उन्होंने अपनी टीम भाई रिवाइव नहीं दिया सीधा भाई वहाँ पर फायर करने की कोशिश करते हैं भाई काफी कड़ा वहाँ पर फायर देने जी नहीं भाई फिलहाल घर के अंदर जा चुके हैं भाई क्योंकि भाई वहाँ पर उनको काफी कड़ा स्प्रे आ रहा था एक तरफ से भाई इसलिए वहाँ पर काफी कड़ा घोष आज भाई एक तरफ से आ चुके घोष आज भाई वहाँ पर देंगे उनको कड़ा स्प्रे और घोष आज भाई बड़े दिल भाई उनको वाइप कर चुके क्या बात टीम वाले वाइप उस तरीके से वाइप हो चुका देखना होगा किसी और टीम के बीच अगर फाइट हो रही है तो भाई फाइट हम जरूर दिखाएंगे फिलहाल देखना होगा किसी और टीम के बीच फाइट यहाँ पर नहीं हो रही है कड़ा मतलब क्या ही बात टीम नंबर जो कि 4 के मामले से अपने ही नेट से भाई वहाँ पर ब्लास्ट हो गया पता नहीं शायद मैं भी किसी और टीम हम पे जी हाँ वहाँ पर मेरे ख्याल से डीबी के ऊपर या फिर मोहतोबी के ऊपर दोनों में से किसी एक के ऊपर भाई नेट वगैरह कर रहे होंगे और भाई अपने ही नेट से भाई वहाँ पर फट गए क्या ही कड़ा मतलब कि बहुत ही कड़ा 47 कोबरा के सामने आया 47 कोबरा को बड़े जल्दी फेल सकते हैं लेकिन भाई देखना वहाँ पर डीपी का स्प्रे 47 कोबरा को लेकिन भाई वहाँ से निकलते हुए क्या ही बात है बड़े जल्दी भाई निकल गए क्योंकि वहाँ पर गन स्विच करने में लग गए थे अपने मौत ओपी और की टीम के मेंबर्स और भाई बड़े जल्दी वहाँ पर निकल गए 47 कोबरा और भाई देखना वहाँ पर जी हाँ फिलहाल उतर गए हैं लेकिन क्योंकि वहाँ पर कैडा काफी ने स्प्रे आता है इस तरफ से डीपी और M4 उनके हाथ में देखे भाई क्या कुछ करवाएंगे अपने 47 कोबरा और भाई इनके काफी क्लोज है टीम नंबर 16 भाई कब्जा करो क्लोज है यहाँ पर और टीम अगर वो दूसरी साइड जाएंगे तो भाई उनको मारेंगे मौत ओपी के टीम मेंबर जो कि मौत ओपी भाई उनको मार सकते हैं बड़े भाई वहाँ से निकले उनको काफी कैडा स्प्रे देना चाहेंगे मेरे ख्याल से 47 कोबरा को जहाँ तक मुझे लगता है 47 कोबरा वहाँ से निकलते हुए भाई थोड़ा सर्कल के अंदर जो मूव ऑन करते हैं सर्कल के अंदर निकालते हैं सेफ मूव ऑन करते हुए ताकि भाई वो सेफ हो जाए डीबी भाई को वहाँ पर नॉक कर चुके हैं एवीसी मोहन भाई ने वहाँ पर डीबी भाई को नॉक कर दिया और भाई यहाँ पर मौत ओपी अपनी टीम से अकेले बचे तो देखो भाई मौत ओपी भाई क्या कुछ कर पाते हैं दो किलो की टीम के अभी तक भाई यहाँ पर देखे जाए जो कि एक किल मेरे ख्याल से अमित डॉन ने किया था और भाई यहाँ पर एक किल भाई इनके टीम में जो कि भाई मौत ओपी ने किया और भाई दो ही टीम में से दो ही किल है और भाई इनके ऊपर मेरे शुक्राना करना चाहिए लेकिन किल छोड़ा की टीम की तरफ भाई एक बार चली जाए जो कि उनकी काफी क्लोज एक टीम आ चुकी है भाई यहाँ पर देखना हो क्या कुछ कर पाते हैं और देखना हो भाई यहाँ पर फिलहाल वहाँ पर वापस से चल लिया जाए एक बार टीम नंबर 16 की तरफ ही जो कि भाई काफी ज्यादा क्लोज है और भाई रश कर चुकी है टीम नंबर 4 के मामले के ऊपर और भाई देखना होगा यहाँ पर क्या ही बात है देखना भाई क्या कुछ कर पाएंगे अपने कैप्टन अमेरिका वो पता नहीं कहाँ होंगे खैर देख ले जाए एलेक्स गेमिंग सिटी भाई और भाई एक टीम नाम से जो कि एवी मोहन भाई वो बैक साइड से कवर देते हुए जो काफी अच्छी बात सामने मौली वगैरह की गई है मौत भी भाई घर से बाहर निकल चुके हैं क्योंकि भाई उन्हें पता है कि भाई घर के अंदर ज्यादा नेड और मौली वगैरह आते हैं तो भाई इसलिए मौत भी भाई घर से बाहर निकल चुके हैं काफी अच्छा दिमाग लगाते हैं और किस तरह को नॉक कर दिया गया क्या ही बात है वहाँ पर एस डिलीजेंट भाई वहाँ पर नॉक कर चुके हैं एक तरफ जाते हैं अपने टीम मॉम्स को कवर देने के लिए 3v3 का मामला हो जाता है एक तरफ से भाई 3v3 कर पाएंगे या नहीं कौन सी टीम यहाँ से बचकर निकलेगी तो भाई देखना होगा जैसे यहाँ पर किल शॉट जो कि अजहर की टीम के मेंबर्स हैं वो पुराने खिलाड़ी हैं क्योंकि भाई यहाँ पर उनको कोचिंग का काफी ज्यादा हिसाब है सन्नी मेरे ख्याल से उनके साथ नए टीम मेंबर्स हैं लेकिन खेल इन्हीं के साथ रहे हैं लेकिन टीम मेंबर्स थोड़े नए और भाई नेड किया गया सबसे पहले और भाई अब मौली की जाएगी जहाँ तक मुझे लगता है जी हाँ मौली काफी कैडी और भाई देखा जाए यहाँ पर मौली की गई उन्होंने मौली से टीम मेंबर्स जी टीम नंबर 13 की टीम मेंबर्स भाई यहाँ पर नॉक हो चुके हैं क्या बात है मौली से नॉक हुए एक टीम वहाँ पर क्या बात है एस डिलीजेंट भाई किल शॉट मैगनेट को नॉक कर चुके हैं यहाँ पर मुझे लगता है किलशॉट मैगनेट और किलशॉट सैम क्या ही बात है इंस्टेंट नो को इंस्टेंट फिनिश किया और किलशॉट सैम को उन्होंने इंस्टेंट नो को इंस्टेंट फिनिश किया और भाई 2v2 का मामला जी हो जाता है और भाई यहाँ पर देखना और क्या कर पाएंगे
सूबी टू का मामला क्रिस्टल मैग्नेट एक टीम हम सुनो कर चुके हैं। एस टिलीजेंट भाई को वहाँ पर नौकर दिया गया। क्रिस्टल मैग्नेट काफी ज्यादा लोन के टीम हम जो कि एक टीम भाई उनका बच्चे वो आना चाहेंगे अपने टीम को बचाने के लिए। जी हाँ सामने अपने टीम को बचाने के लिए आया और यहाँ पर काफी प्यारा स्प्रे भाई देख लिया जाए। उनके हाथ में ज्यादा कोई भाई गन नहीं है जहां तक मुझे लगता है। SLR और जो कि M16 और मेरे ख्याल से MP45 तो दो ही गन है उनके हाथ में। और देखा जाए उनके टीम को तो भाई बड़े भाई वाइप फिनिश वगैरह कर चुके हैं। सन्नी एक तरफ से आते हैं और भाई सन्नी को काफी कड़ा मेरे ख्याल से यहाँ पर देख सकते हैं। और अलाउद्दीन है जो भाई वहाँ पर एक टीम को भाई मौली से चलाकर मार सकते हैं भाई देख लिया। दो टीम बड़े भाई यहाँ पर वाइप हो चुके हैं उनकी टीम और देख रहे हो भाई यहाँ पर इनकी टीम तरफ चल लिया जाए। टीम नंबर जो कि 22 और काफी ज्यादा पीछे इन्हीं के पीछे भाई एक टीम पड़ रखी है। तो भाई देख रहा हूँ कौन सी टीम इनके पीछे थी। तो भाई यहाँ पर देख रहा हूँ कौन सी टीम थी भाई इनके टीम पीछे ही एक टीम थी जो कि टीम नंबर 8 भाई इनको स्प्रे भी दिया उन्होंने लीजेंड छोटू क्या ही बात है। और उनके बॉस समीर बॉस नदीम और मोहतो भी भाई ये भी शायद भाई को वहाँ पर नौकर चुके दुकान की तरफ जरूर चली जाए। टीम नंबर 16 टीम नंबर 4 की भाई वहाँ पर वाइट होती है। 47 कोबरा ए विजी आयरन मैन को नौकर चुके क्या देखे भाई का कुछ बात है। एक और नेट मेरे ख्याल से वहाँ पर करना चाहेंगे वहाँ पर क्या ही कैडा वहाँ पर नेट वगैरह मेरे ख्याल से फांगना है और भाई वो नेट भी बाहर आ गया और भाई काफी कैडा मोहतो की भाई अपने नेट से काफी ज्यादा डैमेज होगा मेरे ख्याल से। वो हील वगैरह लगाना चाहेंगे जो काफी अच्छी बात है क्योंकि अगर हील वगैरह नहीं करेंगे तो भाई उन्हीं का यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी उनको क्योंकि भाई यहाँ पर अपने टीम में उसको बड़े इजीली भाई रिवाइव कर चुके हैं। और भाई यहाँ पर देखने को आयरन मैन को तो भाई इंस्टेंट फिनिश नॉकआउट इंस्टेंट फिनिश कर चुके हैं। 47 कोबरा और देखना जाए वहाँ पर क्या कुछ कर पाएंगे। सामने मोली की गई एलेक्स गेमिंग सिटी भाई वहाँ पर नॉक हो सकते हैं और मोली से नॉक हो गए मोहतो भी भाई देख भाई क्या कुछ करता है। नीचे कुछ टीम हम भाई काफी कड़ा मेगा स्प्रे देना चाहेंगे। ए बी सी जो शाहिद भाई वो नीचे कूदे हैं शाहिद भाई वहाँ पर नीचे कूदे हैं और डी बी भाई को इंस्टेंट इंस्टेंट फिनिश कर चुके हैं। मोहतो भी अपनी टीम से अगर बचाओ देखे भाई उनके अलग से मिलते भी भाई उनको नौ इंस्टेंट नौ इंस्टेंट फिनिश कर दिया जा चुका है। अब सामने भाई 1v2 का मामला हो जाता है। 47 कोबरा एक तरफ से भाई आप थर्ड पार्टी कर सकते हैं लेकिन देख रहा हूँ मोहतो भाई फिलहाल काफी कड़ा खेल रहे हैं वहाँ पर मोली वगैरह काफी अच्छे से कर रहे हैं और भाई नेट वगैरह कर रहे हैं। ऊपर और डीपी उनके हाथ में काफी कड़ा स्प्रे देने की कोशिश करते हैं भाई वहाँ पर फ्री फायर के साथ भाई खेल रहे हैं तो काफी अच्छी बात है। फिलहाल देखना ए बी मोर और ए बी शाहिद दो टीम बच सकते हैं भाई देखिए क्या कुछ कर पाते हैं। टीम भाई सामने आए हैं और भाई फिलहाल उनके पास वहाँ पर नेट वगैरह उन्होंने किया है जो कि काफी कैड और देख रहा हूँ भाई एक टीम भाई उनके आए भी हैं और भाई उनको काफी कैडा स्प्रे दिया गया है शाहिद भाई को देख भाई क्या कुछ कर पाते हैं। विजय शाहिद भाई वो तो भी भाई काफी कैडा खेलते हुए यहाँ पर उनकी टीम में तो भाई यहाँ पर फिलहाल किसी और टीम के बीच भाई फाइट नहीं हो रही तो भाई इसलिए मैं आपको नहीं दिखा। यो मनी भी हारने के बाद वहाँ पर फाइट हो चुके तो भाई उनकी टीम की तरफ हम जरूर चलेंगे। ये रहे अपनी जो कि टीम नंबर भाई जो कि यहाँ पर फाइट हो रही है टीम नंबर 22 की भाई फाइट हो रही है जो कि यो मनी ने भाई एक टीम सुनो क्या मोह तो भी भाई यहाँ पर उस फाइट लेते हैं। टीम नंबर 11 टीम नंबर 22 के बीच यहाँ पर फाइट होती है और टीम नंबर 22 के वापस एक टीम भाई नॉक हो चुके हैं तो भाई यहाँ पर देखना और टीम नंबर 8 के भी काफी ज्यादा करीब है थर्ड पार्टी कर सकते हैं तरफ से बी लैक एन के सॉरी एम के भाई वहाँ पर एक टीम हम सुनो कर चुके हैं क्या ही बात है जो कि यहाँ पर बी आर ने क्यों भाई नॉक किया गया सामने भाई काफी कट स्प्रे टीम नंबर 8 मेरे ख्याल से ऊपर क्लोज इन करना चाहिए अगर क्लोज इन कर लेती है बहुत ओपी भाई एवी मोहन भाई को बड़े भाई फिनिश कर चुके हैं वापस से नॉक कर चुके हैं भाई उनकी तरफ जो भी चलूंगा एवी मोहन भाई इंस्टेंट फिनिश कर चुके हैं। अकेले भी शायद भाई उनकी टीम के मामले अकेले बचे हैं जो कि भाई फिलहाल देख लिया 75 HP सामने 1v1 का मामला तो काफी कड़ा हो जाता है यहाँ पर 1v1 मोहतो ओपी और जो कि ये भी शायद भाई दोनों टीम भाई जो कि 47 को बराबर काफी एक तरफ से भाई क्लोजिंग का थर्ड पार्टी भाई पूरी पूरी कोशिश करते हुए जरूर दिखा दिया है मोहतो भी भाई यहाँ पर भी शायद को पूरी तरह कर चुके हैं एवी जी की पूरी टीम भाई अकेले ही खा गए यहाँ पर अपने मोहतो ओपी भाई और भाई यहाँ पर देखना कोंगा जो कि अकेले बचे थे सन्नी भाई उनको बड़े दिल फिनिश कर चुके हैं जो अकेले शक्ति के टीम के मेंबर्स और बड़े दिल भाई उनको फिनिश कर चुके हैं कोंगा को जो कि अकेले ही खेल रहे थे मेरे ख्याल से और वापिस एक टीम आपसे नॉक वगैरह किया गया है जहाँ तक मुझे लगता है जहाँ टीम 22 की एक टीम को भाई नॉक किया गया और देख भाई टीम 22 के बाकी मामले भाई सर्कल के अंदर निकलना चाहेंगे जो काफी अच्छी बात है मेरे ख्याल अगर वहाँ पर सर्कल में अभी निकलते हैं तो काफी कड़ा और भाई यहाँ पर देखना इनकी टीम की तरफ जरूर चल लिया जाए। टीम नंबर 23 की भाई यहाँ पर फाइट होने वाली है टीम नंबर 23 और टीम नंबर 21 के बीच भाई आमने सामने की फाइट तो भाई देखें क्या कुछ कर पाते हैं। अलाउद्दीन एजे 19 ब्लॉगन जिशान क्या कुछ बात है 3v2 का मामला तो भाई देखे जाए यहाँ पर क्या कुछ कर पाएंगे। क्रिस्टल मैग्नेट और सन्नी भाई देखे यो मनी भी है जो कि भाई बड़े एरिया की टीम है दो टीम हम नॉक कर चुके हैं टीम 22 की तो काफी कड़ा और पूरी स्क्वाड मेरे ख्याल से वहाँ पर वाइप हो सकती है जहाँ मुझे लगता है टीम 22 की पूरी स्क्वाड को वाइप कर दिया गया वहाँ पर क्या ही बात है बहुत ही कड़ा यो मनी भी आने की मेरे ख्याल से गाड़ी वगैरह उनके पास ब्लास्ट कर दी डार्क डेविल एक तरफ से सन्नी भाई वहाँ पर जिशान को नॉक कर चुके हैं तो भाई देखना अगले बच्चे भाई सन्नी के काफी कड़ा खेलते हैं बहुत बढ़िया खेलते हुए क्रिस्टल मैग्नेट टीम के मेंबर्स और 19 भाई अपनी टीम से अकेले बचे तो भाई यहाँ पर देख लिया 1v2 का मामला और मुझे नहीं लगता भाई यहाँ पर 1v2 कर पाएंगे और भाई एक तरफ एक और टीम है ओप की लूसी भी यहाँ पर मेरे ख्याल कहीं पर आ चुके हैं। रोमन भाई को नॉक किया तो भाई उनकी टीम की तरफ जरूर चले जाए। टीम नंबर जो 10 के मेंबर्स को नॉक किया रोमन भाई और ओप की लूसी जो उनके सामने उनके टीम नंबर 9 के मेंबर्स भाई यहाँ पर काफी कैडा तो भाई उनके साथ फाइट भी जरूर दिखाएंगे हम। रोमन भाई को बड़े दिल भाई रिवाइव दे दिया गया और सामने सामने भाई फाइट होते क्रिस्टल मैग्नेट 19 लोकल भाई को गाड़ी मोली से ही मार चुके हैं भाई वहाँ पर उनकी तरफ एक और टीम क्लोजिंग कर चुके हैं तो भाई देखना और टीम ऑफर के नाम उसके ऊपर भाई जस्ट उन्होंने अभी फाइट खत्म किया चोला अंशु शोभित भाई और यहाँ पर उनके साथ टीम आ चुकी है और भाई यहाँ पर देख रहा हूँ क्या ही बात है
एमपी भाई। और भाई आप सामने नेट वगैरह किए गए हैं और क्या ही बात है, यो मनी को वापस नॉक कर दिया गया जो कि मेगा टीम नंबर 8 की मामस की तरफ से किया गया। यो मनी भी आने की बड़े जिलबान की टीम मैगनेट और सनी भाई दोनों ही टीम मामस भाई घर से बाहर निकल चुके हैं। भाई ने पता किया भाई जितने परिवार हो चुके हैं और बड़े जिलबान के जो कि एक टीम मामस को भाई यहाँ पर नॉक कर दिया जा चुका है, जिनको भाई बड़े दिल्ली रिवाइव देते हुए अपने ओपनिंग से भाई सामने नेट वगैरह करने की कोशिश करेंगे मेरे ख्याल तो भाई यहाँ पर जीत नहीं भाई। फिलहाल देख रहे हैं सन्नी भाई वहाँ पर एमपी भाई को नॉक कर चुके हैं। टीम आपको क्या ही कड़ा खेलते हैं उनके सन्नी टीम आपको सुशोभित भाई को काफी कड़ा खेलते हो भाई इनके सन्नी सन्नी और किशोर मैगनेट दोनों ही टीम आपस काफी कड़ा खेल रहे हैं। सन्नी के अकेले के भाई 8 किले, किशोर मैगनेट के देख लिया जाए 4 किल, तो भाई यहाँ पर देख लिया 12 किल जो कि 2 किल मेरे ख्याल से किशोर अजहर का या फिर 1 किल किशोर शाम का हो सकता है। और भाई यहाँ पर देखना होगा फिलहाल यहाँ पर अब तक रोमन भाई की टीम की तरफ चल लिया जाए एक तरफ से, जो कि रोमन भाई और ओपी से भाई उनकी फाइट हो रही थी। जॉर्डन के साथ नहीं है जो काफी दिनों से भाई नहीं आ रही, क्योंकि भाई मैं भी थोड़ा काम वगैरह में व्यस्त रहते हैं, वरना भाई उनका कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा सही रहता है। लेकिन भाई अपनी जो कि मोजो भाई गनी भाई और जो कि रोमन भाई और की टीम है वो भी काफी कड़ा खेलती है यूनिटी से। बाकी की टीम भाई इनके आजकल नहीं आ रही, जो भाई यूनिटी जुनेद वगैरह की टीम वो आजकल नहीं आ रहे, वो थोड़ा व्यस्त है। और भाई आप देखना प्लान की टीम मास्टर जैन ओपुलिस शिफर और ये टीम हम भाई क्या कुछ कर पाते हैं फिलहाल देख लिया जाए। यहाँ पर किसी और टीम के अगर कोई और टीम क्लोजिंग कर रही है, लेकिन फिलहाल कोई और टीम इसमें क्लोज नहीं है जो उनके बीच फाइट। और भाई टीम नंबर 8 के मामले सीधा सर्कल और एक और कार्ड एंडेट का फटका भाई क्या ही बात है, हमारे ओपुलिस शिफर भाई को वापस से कार्ड एंडेट का फटका पड़ा है। तो भाई यहाँ पर देखना वापस अपने टीम भाई को रिवाइव देने के लिए आते हुए नफीस ओपी भाई यहाँ पर देख लिया क्या कुछ कर पाएंगे। फिलहाल अपनी टीम को बड़े जल्दी रिवाइव दे देंगे। और भाई यूनिटी से हम भाई की तरफ से क्लोजिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई उनको नहीं पता एक टीम हमसे उनके काफी ज्यादा क्लोज है जो कि टीम नंबर 9 की। और भाई जो कि यूनिटी से हम भाई नहीं जानते, यूनिटी से हम भाई अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े भाई उनको बड़े इजिली नॉक और फिनिश कर दिया जाएगा, बड़े इजिली भाई उनको इंस्टेंट नॉक और इंस्टेंट फिनिश किया जाएगा। अगर भाई थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं कवर से निकल जाते हैं तो बड़े जी भाई उनको इंस्टेंट नॉक और इंस्टेंट फिनिश कर दिया जाएगा। और उन्होंने स्पोर्ट कर रखा और सामने काफी ज्यादा नेड यूनिटी सैम भाई की तरफ से, लेकिन भाई यूनिटी सैम भाई वहाँ पर बच गए। यूनिटी सैम भाई को वहाँ पर दिया गया जैसे कि मैं कह रहा था टॉमी का स्प्रे, और भाई देख लीजिए क्या कुछ कर पाएंगे। फिलहाल काफी कड़ा स्प्रे टीम नंबर 9 के वापस को भी और टीम नंबर 9 के वापस फिलहाल तो वहाँ पर हो चुके, लेकिन भाई उन्होंने अपने पास स्मोक कर लिया तो भाई काफी ईजी हो जाएगा उनके लिए अपने टीम को बचाने के लिए। एक टीम को नॉक कर चुके हैं वापस ओपी दूसरे राय को नॉक किया गया। और देखे जाए यहाँ पर ओपी दूसरे राय को वापस मेरे खाते रिवाइव वगैरह देने चाहेंगे। मुझू भाई मेरे खाते अपने टीम को वापस बुलाते हुए जो कि यूनिटी सैम भाई अपने टीम को पर भाई स्मोक वगैरह कर लिया उनको मेरे खाते बचाने के लिए जाएंगे। जी हाँ गनी भाई अपनी टीम को बचाने के लिए जा चुके हैं और बड़े दिल मेरे ख्याल से अपनी टीम को बचाने के लिए जा सकते हैं। और भाई देख लिया जाए फिलहाल एक तरफ से क्लोजिंग करते हैं उनके टीम मेंबर्स टीम नंबर 9 के क्लोजिंग करते हैं तरफ से। और भाई उन्हें पता और काफी कड़ा स्प्रे मुंजू भाई का, और भाई मुंजू भाई बड़े दिल नॉक कर चुके हैं और ओपी से रिवाइव उनके जस्ट अभी नॉक पड़े थे जिनको भाई नफीस ओपी भाई ने अभी जस्ट रिवाइव दिया है। और टीम नंबर जो कि 9 के मेंबर्स है वो मेरे ख्याल से रिवाइव हो सकते हैं अगर भाई अपनी टीम के पास पहुंच जाए, या फिर वो टीम इनको इनके टीम के पास पहुंचने दे तो बड़े दिल वहां पर पहुंच सकते हैं। सामने काफी कड़ा नेट और नेड से मुझे भाई बड़े दिल उनको फिनिश करते हैं। डीटी का काफी कड़ा स्प्रे और ओपी रिसीवर भाई को वापस चले जा चुके हैं और ओपी रिसीवर भाई की लिटरली एच पी बहुत ज्यादा तेज जाने वाली, क्योंकि भाई बहुत बार नॉक हो चुके हैं, बहुत ज्यादा बार भाई नॉक हो चुका है। मुझे भाई को नॉक कर दिया गया देखा जाए भाई मास्टर जैन और जो कि नफीस ओपी भाई अपनी नाम परिवार वगैरह देने चाहेंगे। और ओपी रिसीवर भाई मुझे लगता है भाई वहाँ पर बताएंगे भाई हीलिंग बड़ी जल्दी जा रही है नफीस ओपी और मास्टर जैन भाई वहाँ पर फाइट लेने के अंदर व्यस्त है, तो भाई इसलिए अपनी टीम को बचाने के लिए वहाँ पर काफी ज्यादा देरी हो जाएगी। और भाई यहाँ पर देखना होगा नफीस ओपी भाई अपनी टीम को बचाने के लिए आए और ओपी रिसीवर भाई बड़े जल्दी फिनिश हो चुके हैं। गनी भाई को नॉक कर दिया गया मास्टर जैन भाई की तरफ से, तो देखा जाए मुझे भाई को तो बड़े जल्दी फिनिश भी कर चुके हैं। मास्टर जैन भाई काफी कड़ा खेलते हैं छत के ऊपर चढ़ के बैठे हैं। सनी भाई वहाँ पर घोष्ट की टीम के साथ फाइट हो चुके हैं। सनी भाई को तो भाई यहाँ पर देखना हो जो कि वहाँ पर बड़ी काफी लेकिन देखना वापस भाई हमें उस टीम की तरफ एक बार चल लिया जाए जो भाई पर रोमन भाई यूनिटी से भाई पर नॉक पड़े उनके एक टीम उनके एक और टीम भाई जो गनी भाई भी नॉक पड़े सामने रोमन भाई नेट करने की कोशिश करते हैं। मास्टर जैन भाई उनके नॉक पड़े नफीस ओपी भाई अपनी टीम को रिवाइव देते हैं, नेड किया गया और सामने भाई वहाँ पर बड़े जल्दी रिवाइव दे देंगे। मेरे ख्याल से टीम मेंबर्स को जा भाई दोबारा से भाई अकेला बंदा 1v4 करके गया है जो कि सन्नी भाई किलशॉट मैग्नेट टीम के मेंबर्स दोनों ही टीम मेंबर्स भाई काफी कड़ा खेल रहे हैं अब तक 1v2 करते हुए आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा कड़ा। और बड़े जी भाई 1v4 किया भाई सन्नी भाई ने, तो भाई एक लाइक तो बनता है इनके लिए वीडियो पर। और भाई वीडियो को पूरा देखा करें भाई, आप कट मत किया करें क्योंकि भाई आपको 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट करना पड़ेगा। 47 कोबरा भाई भी काफी कड़ा खेलते हुए समीर और टीम दो टीम को नॉक कर चुके हैं। और भाई देखना मास्टर जैन भाई गनी भाई को नॉक कर चुके हैं तरफ से, इंस्टेंट नॉक इंस्टेंट फिनिश कर चुके हैं। नफीस ओपी रोमन नफीस ओपी भाई को नॉक किया गया और भाई यहाँ पर बड़े भाई नफीस ओपी भाई को इंस्टेंट नॉक इंस्टेंट फिनिश कर चुके हैं। सीधा गाड़ी ब्लास्ट करने की कोशिश करते हैं टीम नंबर भाई एक तरफ से भाई जरूर से भाई 1v3 या फिर 1v4 इन्होंने क्लच किया। कोबरा काफी कड़ा खेले भाई, बहुत ज्यादा कड़ा, तो भाई अकेले 47 कोबरा भाई भी काफी कड़ा खेल रहे हैं जबकि भाई अकेले हैं और लेकिन भाई काफी कड़ा खेलते आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया भाई इनके लिए। भाई लाइक बनता है भाई वीडियो को अभी के अभी भाई लाइक किया जाए। और रोमन भाई मेरे ख्याल अपनी टीम से अकेले बचे लेकिन वहाँ पर अपनी टीम का पूरी टीम का बदला ले चुके हैं, लेकिन भाई अभी नहीं सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा और सर्कल बहुत ज्यादा काटने वाला है और मुझे नहीं लगता भाई ये टीम हम सर्कल के अंदर जा पाएंगे, लेकिन भाई इनके पास अपनी गाड़ी होगी जहाँ पर मुझे लगता है फिर लूट वगैरह करना चाहेंगे। जी हाँ
लूट वगैरह कर रहे हैं, लेकिन भाई सर्कल रुकने के बाद और ज्यादा डैमेज देने वाला। फिलहाल इनके पास 1.5 मिनट है, 1 मिनट है, लेकिन भाई ने गाड़ी भी इनके सामने खड़ी है, निकल जाएंगे। बड़े इजली फर्स्ट एड वगैरह भी है, एक फर्स्ट एड है, 5 बैंडेज है, 2 ड्रिंक्स है, 2 पेन किलर्स है, तो बड़े मेरे ख्याल वहाँ पर निकल जाएंगे और फर्स्ट एड सीधा लगाते हैं। और भाई फर्स्ट एड लगाते ही सीधा निकलना चाहेंगे, फिर सर्कल इनसे काफी ज्यादा दूर है भाई, तो भाई इसीलिए वहाँ पर सीधा निकलना चाहेंगे सर्कल के अंदर। फिलहाल देख लिया सन्नी बाहर की वापिस वापिस से फाइट होगी, तो भाई देखना हमें उन्हें काफी क्लोज एक टीम थी, तो भाई यहाँ पर देख लिया जाए और भाई यहाँ पर देख लिया जाए। फिलहाल टीम नंबर 18 के मेंबर्स काफी ज्यादा क्लोज, और भाई यहाँ पर सन्नी और क्रिस्टन मैगट भाई यहाँ से निकल चुके हैं टीम नंबर 18। टीम नंबर 1 के मेंबर्स भाई यहाँ पर आ चुके हैं 47, जो कि कोबरा है, और 47 कोबरा को मेरे ख्याल से नहीं पता टीम नंबर 18 के मेंबर्स इनके ऊपर है। बड़े भाई सर्कल के अंदर मूव ऑन करते हुए और भाई यहाँ पर देखना क्या कुछ कर पाते हैं, लेकिन 47 कोबरा काफी खड़ा कर रहे हैं। टीम नंबर 2 के मेंबर्स भाई सामने बचे हैं, टोटल भाई 5 टीमें बची हैं, और रोमन भाई मेरे ख्याल से यहाँ पर दिखा दिया जाए। रोमन भाई सीधा सर्कल के अंदर आने की कोशिश करते हैं, रोमन भाई बड़े सर्कल को बीट कर जाएंगे और भाई सर्कल के अंदर तो बड़े आ जाएंगे, लेकिन भाई चिकन और कुछ नहीं कर सकते भाई। चिकन 2 किल 4 किल भाई मजूरी भाई करके गए हैं, 3 किल भाई यहाँ पर सैम भाई करके करे हैं, यूनिट स्टैम भाई और बड़े दिल भाई वहाँ पर देखा होगा भाई। यूनिट सन्नी और किशोर मैगनेट भाई जोन के बीचों बीच जाकर भाई बैठ चुके हैं, जो काफी अच्छी बात है। फिर गाड़ी उन्होंने एक्सचेंज किया, जहाँ गाड़ी वगैरह वहाँ पर एक्सचेंज कर चुके हैं, ताकि भाई बंदों को ढूंढ सके, जहाँ तक मुझे लगता है। फिलहाल देख लिया जाए क्या कुछ कर पाएंगे। रोमन भाई बड़े सर्कल को बैठ चुके हैं, गाड़ी एक्सचेंज किया, सर्कल भाई वहाँ पर आते हुए और भाई 47 कोबरा भाई को दिखा देख लिया जाए। जहाँ टीम नंबर 8 के मैम को भाई उन्होंने सपोर्ट कर रखा है, क्या ये बात है। 47 कोबरा भाई ने वहाँ पर उनके टीम मेंबर्स को भाई सपोर्ट कर रखा है, और देखे भाई क्या कुछ कर पाते हैं। उनके एआरसी के मेंबर्स तो भाई एआरसी के मेंबर्स अगर भाई उन्हें सपोर्ट कर लेते हैं तो बड़े जल्दी, और भाई उनके तरफ रोमन भाई आते हुए, तो रोमन भाई को मेरे ख्याल से बड़े जल्दी सपोर्ट करेंगे। गाड़ी लेकर भाई आ रहे हैं, रोमन भाई को एक तरफ से भाई सपोर्ट तो किया जाएगा, लेकिन भाई उनकी तरफ से नहीं जा रहे हैं, वो काफी दूर से जा रहे हैं, तो भाई इसीलिए बच जाते हैं यहाँ पर, इसीलिए भाई अपने रोमन भाई बच जाएंगे। और भाई जिस तरफ ये जा रहे हैं उस तरफ मेरे ख्याल से सन्नी और किशोर मैगनेट के साथ इनका सामना हो सकता है, जो काफी कड़ा खेल रहे हैं, और भाई उन दोनों टीम मेंबर्स को 1v2 कर पाना मेरे ख्याल से काफी ज्यादा एक हिसाब से मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भाई काफी कड़ा खेल रहे हैं दोनों टीम मेंबर्स। लेकिन भाई बिल्कुल सर्कल के एज पर अगर रुक चुके हैं, जो काफी अच्छी बात है, अगर आप सर्कल के एज पर रहेंगे तो भाई मे भी आपको पीछे का डर नहीं रहेगा कि भाई आपके पीछे भी कोई है, क्योंकि भाई आपको पता है कि भाई पीछे सर्कल आ चुका और आपके पीछे से कोई नहीं आने वाला। तो भाई इसीलिए जितना आप जोन के एज में रहते हैं उतना आपको बेनिफिट रहता है, लेकिन भाई ये अगर आप सोलो बचे हैं तो आपको बेनिफिट वैसे एक साथ बेनिफिट देता भी है और नहीं भी देता, क्योंकि भाई जो सामने जोन के अंदर टीम मेंबर्स बैठे होते हैं, और अगर आप जोन के बाहर हो जाएं मेरी गलती से, जैसे कि रोमन भाई हो चुके हैं, तो भाई बड़ी ज्यादा दिक्कत आ जाती है, बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है, क्योंकि भाई सर्कल अंदर जाना पड़ता है और वो टीम पहले से सर्कल के अंदर बैठी होती है, तो इसलिए बड़ी ज्यादा दिक्कत आ जाती है। और देख रहा हूँ टीम नंबर 2 के मेंबर्स सीधा ही आते हुए मेरे खाते सन्नी भाई और की तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्रिस्टोड मैग्नेट और सन्नी भाई और की तरफ, तो देखना होगा यहाँ पर अभी भाई और क्या कुछ कर पाते हैं। फिलहाल देख लिया जाए यहाँ पर टीम नंबर जो कि टीम 2 के मामले से बड़े भाई निकलते हुए यहाँ पर फिलहाल रुक चुके हैं, क्योंकि भाई सर्कल के अंदर तो फिलहाल नहीं है, लेकिन भाई उनके पास 1.5 मिनट है, तो भाई इसलिए वहाँ पर सर्कल के अंदर जा भी नहीं। रोमन भाई वहाँ पर काफी ज्यादा क्लोज से गुजरेंगे सन्नी भाई और की, तो भाई उनकी टीम को दिखा दिया जाए जरूर से। रोमन भाई काफी ज्यादा क्लोज से गुजर गए टीम नंबर टू के मेंबर्स भी काफी ज्यादा क्लोज, लेकिन भाई मेरे ख्याल से उनको फायर वगैरह नहीं करना चाहेंगे। 40 और भाई पर उनके सामने 47 कोबरा भाई के पास भी मेरे ख्याल सीधा जाते हो 47 कोबरा भाई के पास, और 47 कोबरा भाई उनको मेरे ख्याल स्प्रे वगैरह दे सकते हैं अगर भाई उनके सामने रुकेंगे। और भाई यहाँ पर जी हाँ गाड़ी वगैरह मेरे ख्याल से जिन नहीं भाई फिलहाल नहीं रोक रहे, गाड़ी में सीधा घूम रहे, और टीम के सामने भाई टीम नंबर 18 के मेंबर्स भी जिस तरफ जा रहे हैं, तो भाई यहाँ पर काफी कैडा भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है मेरे ख्याल से रोमन भाई के लिए, क्योंकि भाई सोलो बचे हैं, लेकिन भाई कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि भाई गेम है और गेम का रूल भाई सभी जानते हैं कि भाई कब पल रहा किसका भारी हो जाए, कभी दुश्मनों को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि भाई थर्ड पार्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बात के लिए हो जाती है, खासकर लास्ट बंदे के लिए। जब लास्ट बंदा बचाओ भाई वो थर्ड पार्टी का जरूर सोचता है कि भाई ये सामने अगर 2 टीमें लड़ रहे हैं तो भाई वो पीछे जाकर थर्ड पार्टी करे, और भाई जैसी वो एक टीम को फिनिश करे वैसे ही उनकी टीम को भाई फिनिश कर दिया। सन्नी भाई सपोर्ट कर चुके हैं टीम नंबर 2 के मेंबर्स को, भाई काफी कड़ा मेरे ख्याल स्प्रे वगैरह देना चाहेंगे टीम नंबर 2 के मेंबर्स को, उन्होंने सपोर्ट कर रखा है जहाँ टीम नंबर 2 के मेंबर्स को भाई उन्होंने सपोर्ट कर रखा, और डीपी ले रहे हैं भाई अपग्रेडेबल फिलहाल डीपी है, लेकिन भाई उन्होंने अपग्रेड मेरे ख्याल से नहीं कर रखे हैं यहाँ पर, और देख रहा हूँ भाई काफी कैडा मेरे ख्याल से वहाँ पर स्प्रे वगैरह देना चाहेंगे उनके टीम मेंबर्स को यहाँ पर, काफी कैडा फिलहाल खेलते हुए सन्नी भाई बहुत ज्यादा कड़क खेल रहे हैं अभी तक भाई। 1v4 क्लच भी हमें इनकी तरफ से देखने के लिए मिल चुका है, और भाई गेम प्ले तो आप लोग देख ही रहेंगे कितना अच्छा खेल रहे हैं अब तक भाई, महा से पोचंगी के अंदर से भाई अब तक भाई 2v4 करते हुए आ रहे हैं दोनों ही टीम में। उस भाई काफी कड़ा जो कि पीछे थे कवर भाई यहाँ पर कवर काफी कड़ा देते हुए अपने क्रिस्टोड मैगनेट, काफी अच्छी बात है, और कवर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आपकी टीम आपको कवर नहीं देती तो भाई को फायदा नहीं। सन्नी भाई वहाँ पर एक टीम हमसे नॉक कर चुके हैं सीधा रश करते हुए भाई उनके ऊपर, क्या है बात, सन्नी भाई ने सीधा ही रश किया, 2 ही टीम हमसे आए थे बग्गी के अंदर, तो भाई यहाँ पर देखना टीम नंबर 2 एक और टीम हमसे अकेले ही बचे हैं, और भाई उनको
को अगर डाला जाएगा तो भाई यहाँ पर देख रहा हूँ क्या कुछ कर पाते हैं। और भाई सन्नी भाई ने उनको सन्नी भाई ने दिया काफी कड़ा स्प्रे और बड़े इजिली भाई वहाँ पर उनको क्राउच एंड शूट दिया और बड़े इजिली भाई उनको फेल चुके हैं। अकेले भाई 1v2 वापिस से 14 किल कर चुके हैं। अकेले टीम मेंबर्स 4 किल 18 किल भाई टोटल, और भाई टोटल तो 20 किल 18 किल कर चुके हैं। लेकिन अब तक दो टीम मेंबर्स भाई ने और किल कर चुके हैं जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पर कौन करके गए थे दिखा दिया जाए। एक किल भाई किल छोटे सैम का था, एक किल किल छोटा अदर भाई का था, तो बड़े दिल भाई पर किल वगैरह कर चुके हैं। देख लिया जाए रोमन भाई बचे हैं और भाई यहाँ पर 47 कोबरा बचे हैं 16 टीम मेंबर्स बाकी भाई देख लिया। टीम नंबर 18 के बचे मेरे कुछ मेंबर्स या वहाँ पर 3 टीम मेंबर्स बचे हैं, तो भाई देखना होगा एआरसी की टीम मेंबर्स। और सन्नी भाई वहाँ पर 47 कोबरा को बड़े दिल फिनिश कर चुके हैं, तो उन यहाँ पर 15 किल भाई काफी कड़ा खेलते सन्नी भाई लिटरली काफी कड़ा खेल रहे हैं और भाई यहाँ पर बहुत ही बड़े खेलते अपने सन्नी भाई। तो भाई देखना होगा यहाँ पर रोमन भाई अपनी टीम से अकेले ही बच रखे हैं टीम नंबर 10 जो कि फिलहाल सर्कल के अंदर, और भाई उनको काफी कड़ा स्प्रे रोमन भाई का नॉक किया जाएगा सन्नी भाई की तरफ से। लेकिन भाई और बच चुके हैं, फिलहाल कवर के अंदर आ चुके हैं सन्नी भाई की तरफ से। लेकिन टीम नंबर 18 के मेंबर्स इनको एक तरफ सपोर्ट कर सकते हैं भाई, जिस तरफ से लेटे टीम नंबर 18 के मेंबर्स इनको बड़े दिल सपोर्ट कर सकते हैं जो कि भाई एआरसी के मेंबर। लेकिन भाई उनका पूरा पूरा एम मेरे ख्याल से इस वक्त भाई सन्नी और किलशॉट मैगनेट की तरफ है, क्योंकि भाई उन्हीं की तरफ से भाई फायर जा रहा है, बाकी कोई भी टीम भाई यहाँ पर फायर वगैरह नहीं कर रहे। रोमन भाई पहले से भाई हील वगैरह लगा रहे हैं जो कि मेरे ख्याल से उनके पास हील भी नहीं है, उनके पास सिर्फ बैंडेज थी जो कि उन्होंने लगा ली है, बाकी उनके पास सिर्फ एक दो ड्रिंक्स बचे हैं और भाई एक पेन किलर बचा है, तो काफी कैड़ा और पेन किलर वहाँ पर लगाते हैं ताकि उनका हील अप पूरा हो जाए। और भाई अगर कोई भी डैमेज देता है तो भाई उनके पास सिर्फ दो ड्रिंक रहते हैं, अदरवाइज भाई वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। सन्नी भाई काफी कैड़ा मेरे ख्याल सन्नी भाई वहाँ पर काफी कैड़ा लेकर बैठे हैं, भाई चार चुनाव उनको पिक दें। और किलशॉट मैगनेट बड़े जिल भाई नॉक कर चुके हैं वहाँ पर, फिनिश कर चुके हैं वहाँ पर रोमन भाई को जो कि अकेले ही बच रखे। और भाई सामने 2v3 का मामला, दो ही टीमें बची हैं, तो भाई देखें यहाँ पर क्या कुछ कर पाते हैं हमारे सन्नी भाई। फिलहाल खेल तो काफी कैडर है, स्किन्स भी काफी कैडी दे रहे हैं, और भाई देखना होगा यहाँ पर अपने एआरसी के मेंबर्स एआरसी दीपक नेगी 007 भाई देखिए क्या कुछ कर पाएंगे। फिलहाल मुझे लगता है यहाँ पर देख लो किलशॉट मैगनेट की तरफ से क्लोजिंग कर रहे हैं, लेकिन भाई अगर वो ज्यादा क्लोज जाएंगे तो फिनिश किया जाएगा जैसे मैंने कहा था। किलशॉट मैगनेट दीपक भाई वहाँ पर नॉक कर चुके हैं और भाई काफी बड़ी गलती भाई, और भाई दीपक भाई को स्प्रे देना चाहेंगे लेकिन सन्नी भाई मेरे अपनी टीम भाई रिवाइव नहीं देंगे जहाँ तक मुझे लगता है। तो भाई अगर वो इस टाइम अपने टीम मेंबर्स को भाई रिवाइव देने के लिए जाते हैं तो भाई उनको बड़े जल्द भाई इंस्टेंट नॉक और इंस्टेंट फिनिश भी उनको भी किया जा सकता है। आरसी की टीम मेंबर्स बाकी एक तरफ घूमना चाहेंगे स्मोक वगैरह कर चुके हैं अपने टीम मेंबर्स को बचाने के लिए ताकि भाई अपने टीम मेंबर्स को पीछे बुलाएंगे। लेकिन देखना होगा काफी कड़ा स्प्रे सन्नी भाई नॉक कर चुके हैं दीपक को, तो भाई देखना होगा दीपक भाई को उन्होंने नॉक किया है आरसी दीपक भाई को उन्होंने नॉक कर सबसे पहले ही लगाते हैं अपने सॉरी सन्नी भाई वहाँ पर सबसे पहले ही लगाते हैं, उसके बाद अपने टीम मेंबर्स को बचाने के लिए जाएंगे। नेगी 007 काफी कड़ा है मेरे ख्याल से लेते हैं, अपने स्मोक कर चुके हैं अपने टीम मेंबर्स को बचाने के लिए। नेगी 007 अपने टीम मेंबर्स को बचा लेंगे, सन्नी भाई अपने टीम मेंबर्स को बड़े दिल बचा लेंगे और काफी कड़ा स्प्रे नेगी 007 को काफी कड़ा स्प्रे लिटरली नेगी 007 को नॉक कर चुके हैं सन्नी भाई काफी कड़ा खेलते हैं। 1v2 किया है एआरसी के टीम मेंबर्स बचे हैं जो अपनी टीम मेंबर्स को बचाने के लिए आएंगे और अपने टीम मेंबर्स को भाई रिवाइव देते हैं। किलशॉट मैगनेट जो कि सन्नी भाई वहां पर रिवाइव दे चुके हैं अपने टीम मेंबर्स को, भाई अकेले 1v2v4 हो जाता है सॉरी 1v4v2 हो जाता है यहाँ पर, भाई देखना 1v2 कर पाएंगे नहीं वहाँ पर उनकी टीम मेंबर्स। किलशॉट मैगनेट को बड़े दिल भाई नॉक कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन देखना होगा सन्नी भाई को नॉक कर सकते हैं अपनी टीम मेंबर्स को मेरे ख्याल से बचाना चाहेंगे वहाँ पर। अगर अपनी टीम मेंबर्स वहाँ पर नहीं बचा उसके भाई सर्कल में भी नहीं है यहाँ पर एआरसी के मेंबर्स, तो उनके लिए काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है क्योंकि अकेले ही बचे और सामने काफी कड़ा नेड और नेड से भाई नॉक कर चुके हैं, काफी दूर नेड फेंका मेरे ख्याल से किलशॉट मैगनेट भाई ने वहाँ पर जंप एंड नेड किया उन्होंने, बड़े दिल भाई वहाँ पर नेड उनका वहाँ तक पहुंच गया और बड़े दिल भाई वहाँ पर वाइप हो गया। और देखना होगा यहाँ पर अकेले ही बचे हैं जिन्हें कैमरा का दिखा दिया जो कि टीम नंबर 18 का नाम है। सामने भाई दो टीम मेंबर्स बचे, देखे भाई क्या कुछ कर पाते हैं दो टीम मेंबर्स सामने। किलशॉट मैगनेट को काफी कड़ा स्प्रे और सन्नी भाई वहाँ पर नॉक कर सकते हैं, जीत नहीं भाई सन्नी भाई लिटरली बचे किलशॉट मैगनेट को नॉक कर चुके हैं और सन्नी भाई मेरे ख्याल से वहाँ पर मारना चाहेंगे। सन्नी भाई कैमरा का एक बार दिखा दिया जाए क्योंकि टीम मेंबर्स को बड़े दिल रिवाइव दे दिया जाएगा और भाई यहाँ पर देखना सामने काफी कड़ा स्प्रे डीपी का और भाई देखना होगा यहाँ पर उन्हें सर्कल के अंदर जरूर से आना पड़ेगा वरना भाई सर्कल में ही मर जाएंगे। और देखना होगा सन्नी भाई वहाँ पर क्या फिलहाल काफी कड़ा स्प्रे और भाई काफी सन्नी भाई वहाँ पर एआरसी की टीम हम उसको वापस से मारकर चलेगा, काफी कड़ा खेले सन्नी भाई। कांग्रेचुलेशन फॉर किलशॉट की टीम के लिए 18 किल भाई अकेला टीम मेंबर्स करके गया, टोटल 25 किल करके टीम गई है, तो कांग्रेचुलेशन और वेल प्लेड सभी टीम के लिए जो कि रोमन भाई की टीम काफी बढ़िया खेली और प्लस और भी काफी कड़ा खेल रहे थे। और भाई यहाँ पर देखना और मिलते हैं हम आपको कल की स्ट्रीम में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। गुड नाइट स्वीट ड्रीम।